नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HJ न्यूज। दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बारे में जानते हैं। अगर आप पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन बदल रही हैं। दिल्ली में पेट्रोल का दाम आज रुपये प्रति लीटर बढ़ गया है, डीजल रुपयों में बिक रहा है। सभी तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों पर कीमतें समान हैं। कीमतों का बदलाव कल सुबह 6 बजे होगा। पेट्रोल पंप हर दिन सुबह 6 बजे नई कीमतों की जानकारी दे देते हैं। पंप डिस्प्ले बोर्ड पर कीमत की जानकारी लेने के बाद खरीदारी करना बेहतर होगा। आपको बता दें कि 16 जून से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर दिन अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से बदल रही हैं और इसका निर्धारण होता है जो मार्केट में रुपयों का और डॉलर का जो कीमत ऊपर नीचे होता है उससे। 7 फरवरी को दिल्ली में पेट्रोल के दाम के बारे में अगर बात करें तो पेट्रोल की कीमत 70.44 रुपये के लीटर पर पहुँच गई थी। उससे पहले पेट्रोल की कीमत 70.44 रुपये प्रति लीटर के लेवल पे थी। दिल्ली NCR, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम में पेट्रोल की कीमत 70.03 रुपये, 70.17 रुपये, 71.73 रुपये, 71.31 रुपये के करीब रही थी। आपको बताएं कि मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों का बदलाव रुपए की कीमतों के आधार पर किया जाता है। दरअसल सरकार पेट्रोलियम पदार्थों को नियंत्रण मुक्त करना चाहती है, इसी के चलते हर 15 दिन पर रोजाना कीमतों में बदलाव होता दिखाई देता है। कैसी लगी आपको ये खबर, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये खबर आपको पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग HJ न्यूज़।